बारिश आ गई भाई, भाई ये है मौसम तो बारिश का। साउथ में साउथ के कपड़े पहन के बारिश के मौज लेना इज लाइफ। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का हमारा तो, मैसूर में ये लग गया। कौन सी गाड़ी ने ठोका है? भाई ये निकल गया पूरा फेंडर फुंडर। भाई ये तो कर दिया लड़के ने ठीक, ये भी कर दिया। और बताओ भाई, मार के भग गया बंदा यार। उसने देखा अंदर बैठे हैं साउथ इंडियंस, ये वाले पोशाक में भग गया। भाई बैंगलोर से लैंड हुए, हाथी के साथ ही बहुत सारी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, वो बताऊंगा अभी। पर वोट डालना बहुत जरूरी है, वोट डालने आ गए। चलाता रहा इसको, अभी तो बहुत दूर है। वोट 6 बजे की वो है, 5:42 हो गए, पहुंच गए बस 2-4 मिनट में। और चला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसे तेज चला ले बस तू। पहुंचा दे मुझे किसी तरह वोट करवाने। वोट करना बहुत जरूरी है, जागरूक नागरिक की वो है, क्या कहते हैं उसको, हक। दिखा दे जल्दी अपना भाई। ये कोई ऐसी इंक होती है जो छूटती नहीं है। देखो हमने वोट डाल दिया, इसके पीछे की कहानियां भी बैठ के सुनाऊंगा। किसको वोट डाली सब पूछना चाहते हैं। अर्चित, अर्चित जल्दी आइयो, अब जल्दी बता मोटे। तूने पापा तो बिना बताया किसने वोट करा देने। अपन उंगली दिखा जल्दी वोट वाली, दिखा जल्दी दिखा। 118 मेरा भी बना नहीं। मैं कह रहा हूँ ये 22 साल का है, इसका वोट डलना चाहिए था, नहीं डलना चाहिए था। कल भी वोटिंग है, साढ़े मिस कर दी ना, 5 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी। मेरा वोट कार्ड वही नहीं बना, वोटर आईडी कार्ड तो बनवा ना। मम्मी मम्मी का तो बन रहा, देख 17 साल की फिर भी बन गया ना। वोट दिया मैंने, किसको वोट दिया मैंने, तो जिसको देना तो दे दिया भाई साहब। मैंने दिया डेवलपमेंट को वोट, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट करेगा मैंने उसको वोट दे दिया। तो घर के तो एक को देंगे ना भाई, हम तीनों अलग को दे। मैं हम तीनों बट रखे हैं, कोई सा तो जीतेगा। आज मोटे मोटे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ ना, पता तुम्हें पता ही ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। कैश दे दे फिर थोड़ा सा, 500-600 रुपये तो दे दे। बाल बुल कटवाना, सेल्फ केयर का दिन है आज मेरा। आज मेरा सेल्फ केयर का दिन है, आज बाल दाढ़ी देख कितने दिन हो गए गए। 500 में भी दे देना, दे रही हूं। सो तो दिखाऊंगा मैं कहां से पैसे निकाल लूंगी। और हम भाई सभी को वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत होती है, अब वोट डाल चुका हूं मैं, ये तुम्हारे भाई की उंगली देख लो। और ये भाई भी हमारे साथ है, वापस आ गए बैंगलोर से। भाई साहब गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हो सर आप। भाई आज इस लड़के ने, अर्चित ने जो गलतियां करी है ना, मैं गलतियां गिनवाना चाहता हूँ एक एक करके। भाई इसने क्या करा, मेरा वोटिंग आईडी कार्ड था, मैंने 3 दिन पहले से उठवा लिया, मेरा कहीं पे रखा था, कहीं छूट गया था मेरा। तो मैंने उसको, मेरे याद आया कि मैं वोट डालना है, मैंने अर्चित को एक नंबर दिया, मैंने अर्चित भाई वहां से ना मेरा वोटिंग आईडी कार्ड उठा लियो। अर्चित कहता ठीक है, इसने उठा भी लिया, लड़का अच्छा उठा भी लिया। आज एयरपोर्ट पर पहुंचा लेने, तो हमारी वापसी आधा घंटा दिखा रहा था, आधा नहीं 40 मिनट दिखा रहा था। खींचू खींच ले तू पहले, कितने 40 मिनट दिखा रहा था अपने को कि पहुंचने में वापस। मैंने पूछा कि मेरा वो दिया वोटिंग आईडी, कह रहा वो तो लोअर में रह गया। राइट भाई, कह रहा लोअर में रह गया। मैंने कि अब, कह रहा आप वापस घर पे जाएंगे और घर पे जाके फिर वजीराबाद जाएंगे वोट डालने। तो इसका मतलब 6 बजे तक का वो था डेडलाइन की, 6 बजे के बाद वोट नहीं हो सकता। तो और 5:30 बजे चल रही है ये बातें, जिसमें टोटल 1 घंटा लगाना, हमने 6:30 बजे पहुंचना है। 5:15 जब भी 1 घंटा लगा के 6:15 होता भाई। उसके बाद किसी तरह जुगाड़ उगाड़ करके मैंने कहीं से मंगवाया, कुछ भी करा, करा तो जुगाड़ साढ़े, बिना उसके नहीं होता कुछ भी। ये तो बता दो किसने जुगाड़ करा। और उससे पहली बात भाई कटारिया, अरे पहले पहले मेरी सुनो, कटारिया बात आएंगे। कटारिया जितना नीच आदमी मैंने, सुनो ना, नेगेटिव पीआर आज से शुरू। आपने आपने फोन करके इसको ये बोला था कि मेरा वोटर आईडी कार्ड लेता है, मेरे को वोट डालना है। मैंने इसको ये बोला था कि मेरा वोटिंग आईडी कार्ड अपने साथ रख ले, इसे ये नहीं पता आज वोटिंग है। अरे तो आपने इसको बोला कि आज मैं वोट डालूंगा वोटिंग आईडी कार्ड। अरे तो एक बात बताना मुझे, वोटिंग आईडी कार्ड अगर मैं इससे मांग रहा हूँ इसका मतलब होता है मुझे वोट डालना है। दूसरी बात, आज एक ही दिन आता वोटिंग का, तो इसका मतलब मैं वोट कब डालूंगा। मेरी बात सुनो, ये ऑन रिकॉर्ड सुनो, ऑन रिकॉर्ड ही चल रहा है भाई, बताना कौन सही कौन गलत है। आपने पहली बात तो इन्फॉर्म ही नहीं करा किसी को भी कि मैं आज वोट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था कि हम भाई साहब वोट तो सबको डालना चाहिए, ये तो अंदर से होता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है किसी को। वो तो है, पर हमको तो ये था ना कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम तो कैब करके आने वाले थे, ये लड़का तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बुलाया था। आप इसको ले गए, मैंने इसको टाइम पे बुलाया क्योंकि मेरी 5:10 की लैंडिंग थी कि ये आ जाए और मैं जल्दी से वोट डाल के निकल जाऊं।
क्योंकि वोट डालना बहुत ये काम, वोट डालना बहुत जरूरी। किसका फोन आया था दर में? आपका तो आया नहीं। मैंने वही तो बता रहा था कटारे से जुड़ी बात। मैंने कटारे को बोला कटारे भाई लेना जी, कटारिया को बोला मैंने सुबह 11 बजे। कटारे ने पता कटारे सो गया, 4 बजे तक सो गया, 4:30 बजे इस लड़के को बता रहा कि जाके उनको ले आओ। अरे सुनो कटारे ने भी सुनो, सुनो, आज। सुनो काम हो गया ना लास्ट में आपका, बस तभी तो चेहरे पे खुशी है। पर लैक ऑफ ब्लॉग ही ना बनता, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ आपकी, आपने इन्फॉर्म नहीं करा भाई लड़कों के, गलत बात। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या भाई मैं बताता हूँ, लैक कुछ नहीं था। एक दिन वोटिंग का आता है क्या वो भी नहीं पता इसको क्या? अच्छा वोटिंग कार्ड फिर मैं अपने पीछे देने को बुला रहा हूँ, मुझे क्या बताओ वाली बात है ना कि भाई पीछे स्क्रैच करना मुझे नहीं भाई, वोट डलता उससे। अपना ग्रुप में चला करो, अकेले क्यों जाता हूँ? कौन से ग्रुप पे चला करूँ? सारे ग्रुप चलता गया, कौन सा ग्रुप चला है मेरी गैल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं चला कुछ ना अपना ही पॉइंट मार गया, जिसके जिस जोक पे खुद हंसता है, हमें भी नहीं पता वाला जोक। अभी तो जा रहे भाई, बहुत दिन हो गए बाल बुल सेट करवाए, जब से ट्रांसप्लांट करवाए ना दाढ़ी सेट करवाए, खुद ही घर पे सेट करने लग रहा हूँ, और खुद ही ये बाल बुल जितने उसने काटे थे वहाँ पे ना ही ना उतने। अभी जा रहा हूँ एक अपनी जगह पे, अपने बाल बुल कटवाएंगे, आज सेल्फ केयर डे। ओके जी भाई, यो भाई है मेरी गैल, इसकी गैल आज एक भाई, इनको वो मिल गया आज प्रकाश राज, साउथ का एक्टर है ना, जो साउथ का एक्टर वो सिंगम में चीटिंग करता है, तू सिंगम वो मिल गया भाई। बड़े मस्त है भाई, बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी है भाई बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी है, वहां का तुम जितने भी हमारे वो देख रहे हैं राम भक्त देख रहे हैं ना भाई, बड़ा लेफ्टिस्ट आदमी, जानते होंगे ट्विटर वाले लोग उसको। भाई क्या करा उसने करा क्या करा बता दे, जो तू अभी बता रहा था ब्लॉग में भी बता। अरे कुछ भी नहीं, मतलब वो बैठे थे मेरे सामने और लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ा रहे थे। चेन्नई में ले ओवर था इनका, चेन्नई में ले ओवर, हां चेन्नई में ले ओवर था, तो भाई वो मिले बस कुछ नहीं। फिर क्या लोगों को क्या पढ़ा रहे, न्यूज़ पढ़ा रहे कि कौन सी न्यूज़? वही न्यूज़ जो होती है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अरे बताना पूरी यार, तुम तो खुल के नहीं बताते। एंटी मोदी न्यूज़ पढ़ा रहा था भाई सभी लोगों को प्रकाश राज, वो तो चलो वो जाने, पर मैं वैसे बता रहा हूँ अभी तो बाल कटवाने जाने। भाई रिकॉर्ड करा, ये चप्पल छोड़ दे भाई, और एक बार नाखून दिखा दे अपने, एक बार रोक के नाखून दिखा लो नाखून मेरे, ये ना पैर के, पैर के क्या देखो हैं, पैर के नाखून दिखा अपने। भाई साहब 5 साल छोटे हो रखे हैं इस टाइम, बाल सेट हैं, इस टाइम चल रहा है मेरा शेडिंग फेस, जो ये जो बाल लगवाए हैं अभी ना झड़ जाएंगे और फिर वापस आएंगे नए बड़े बड़े, अभी थोड़े झड़ जाएंगे, शेडिंग फेस बोलते हैं इसको, होता है। और ये दाढ़ी सेट करवा के 5 साल छोटा वोटिंग हो चुकी है, सारी चीज़ हो चुकी है भाई, इतना इंपॉर्टेंट था वोटिंग डे, क्योंकि ये हमारा राइट है भाई, वी शुड प्रैक्टिस इट। और वोट पता है किसको दिया मैंने, बताओ मैंने किसको वोट? छोटो भाई, छोटो दोस्त एक बार इधर आओ मेरे पास, आओ आप इधर आओ, इधर आओ। तुमने वोट करा? ना। मैंने वोट करा? बता। पता नहीं। ये देखो अब बताओ मैंने वोट किया? किया। किसको किया बता? बता? चल मत बता, छोटो को भी नहीं पता, एक्चुअली मेरे घर वालों को भी नहीं पता मैंने किसको वोट करा। मैंने वोट किया आप लोगों को आपको नहीं, आप लोगों को वोट किया मैंने, जिससे सब लोग आगे बढ़ सकें, देश आगे बढ़ सके, सब बराबर हो सके, समझ रहे हो, एजुकेशन आ सके और ज़्यादा है, और ज़्यादा आ सके, डेवलपमेंट आ सके और ज़्यादा डेवलप, गुड़गांव में तो बहुत आ रखी है वैसे तो, और आ जाए, जहाँ पे नहीं है वहाँ आए, ऐसा तो वैसे कोई करता नहीं बट फिर भी कहते तो सभी हैं भाई, किसी ना किसी को तो वोट देते ही हैं, जिनका एक मैनिफेस्टो सही लगा उनको दे दिया, समझ गए होगे किसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है भैया। भाई अपने ब्लॉग का एंड हो रहा है, दिन की शुरुआत से देखो ऐसी दिखती है सुबह 5 बजे की, दिन मतलब सुबह ऐसी दिखती है। देखो भाई खा तो नहीं जाएगा अंकल, ये तो खा रहा सुबह सुबह भाई साहब, कुत्ता भी खा सकता तुमको, असली डर देखा तुमने अभी, एक खुला जानवर भाई साहब खा भी सकता है आपको, तो सावधानी से रहो। ठीक है जी, ये हो रहा ब्लैक कलर का कुत्ती, काला कुत्ता, एक तो होता ब्लैक कुत्ता, एक होता डार्क ब्लैक कुत्ता, वो अपने मौज में ज़िंदगी कट रही, सुबह सुबह आ ली अपने घर पे, अभी निकल जाऊँगा दोबारा थोड़ी सी देर में, एक भाई मिल जाता मुझे गेट के आगे, क्या हाल है भाई तुम्हारे, ठीक हो, जानते हो तुम मुझे हैं, जानते हो? हाँ बोलो ना। नहीं जानते हैं। हाँ बोल दो यार।
मेरा दिन बन जाएगा। जानते हैं कौन हूँ? कौन बताओ कौन हूँ? तुमने तो बोला जानते हो, बताओ कौन हूँ? कहाँ पे देखा तुमने मेरे को? ये नहीं दिख रहा, देखो ये बोर्ड पे देखो, ये कौन है? नाम तो ऐसे यार, क्या नाम लिखा हुआ है ये बताओ, इंग्लिश में क्या नाम लिखा हुआ है? इतना लंबा राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा इतना लंबा राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा, कोई बात नहीं भाई। इस ये देखो, इसका नाम लिखा हुआ है रवि पहलवान। रवि पहलवान, रवि पहलवान, पहलवानी छोड़ दी मैंने, तो शरीर पे मत जाना, पहलवानी पहली करते थे अब छोड़ दी। हाइट से पता लग रहा होगा 6'2". तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी 5.56 है। तुम्हारा नाम क्या है? विपुल कुमार। विपुल कुमार, क्या काम करते हो तुम? स्मार्ट में गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी हफ्ते में आती है 4-5 हज़ार। मतलब तुम महीने का कमा लेते हो, फॉर एग्जांपल 4 के साथ लगाए तो 16-20 हज़ार के बीच में कमा लेते हो। यार ये बीच में देखना, इंटरव्यू चल रहा है, वो आ रहे हैं बंदे बीच में, अननोन अननोन आ रहे हैं। चलो यार बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल गया यार। कहाँ रहते हो तुम यहाँ? सबसे लास्ट वाले में। वैसे कहाँ से हो? यूपी से हो तुम? हाँ यूपी। देखा, पहचान लिया ना, मैं भी यूपी से हूँ। तुम यूपी में कहाँ से हो? गोंडा से। गोंडा से हो तुम? गोंडा में कहाँ से हो? मैं भी तो वहीं से हूँ भाई। गोंडा से जो गोंडा बहराइच बॉर्डर है वहाँ पे है गाँव। तुम तो भोले आदमी हो, अच्छा लगा तुमसे मिल गया भाई। गॉड ब्लेस यू यार, सी यू मैन। मेरा नाम ये है देखो, ये एलविस यादव। बतानी पड़ रही है, अपने घर के आ गई, क्या दिन आ गए साढ़े, क्या ही करें। कोई ना भाई, घर आ गया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।